अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम डेट 2019। तो दोस्तों आपको जैसा पता चल चुका होगा कि आपका पेपर 14 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को होने वाला है। तो काफी बच्चों के हमारे पास सवाल आ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करें। देखिए गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में कैसे करें तैयारी। देखिए बैक अगर आपकी लगेगी तो इन तीन सब्जेक्ट्स में लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और जिन बच्चों की भाई गणित, अंग्रेजी और विज्ञान अच्छी है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोस्तों आपकी या किसी भी बच्चे की बैक लगती है तो इन सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लगने की संभावना होती है। और सबसे नंबर वन पर आपका रहता है गणित, नंबर टू पर दोस्तों अंग्रेजी रहता है। देखिए अंग्रेजी में उतनी बैक नहीं आ पाती, नंबर थ्री पर विज्ञान। अंग्रेजी में बैक ना आने का कारण ये होता है दोस्तों, ये कुछ हद तक थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें कुछ भी लिख कर आ जाएंगे तो आप पास होने की उम्मीद जगती है। लेकिन गणित क्या है, इसमें तो पूरा न्यूमेरिकल होता है, मतलब आपको सॉल्व करके आना होता है क्वेश्चन। अब अगर बोला गया है कि यार एक गुणनखंड करके आना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है। अब दोस्तों इसमें आप कुछ भी बना के तो लिख नहीं सकते कि यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स की घात 2 है प्लस इसमें 5x को जोड़ा जाता है, ऐसा तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तभी दोस्तों इस प्रश्न के आपको अंक मिलेंगे, या आप कह सकते हैं इस प्रश्न के आपको जीरो नंबर दिए जाएंगे अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। तो अगर इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगर आप उसमें दो चार लाइन, अगर आपको एक भी पॉइंट आपने उसको पकड़ लिया और उसको सॉल्व करते हैं तो, या लिखते हैं अच्छे से राइटिंग में, तो आपको आधे अंक या एक अंक मिलने की संभावना बन जाती है। तो यही सब दोस्तों होता है आपके पेपर में, कि आप कुछ बच्चे का काफी ज्यादा नंबर ले आते हैं और कुछ बच्चे जीरो या दो चार नंबर लाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा हमने जो बैक्स देखी है अभी तक BTC के इतिहास में, वो सबसे ज्यादा गणित में आती है। तो गणित की दोस्तों इसीलिए हमने प्रॉपर वीडियो सिर्फ गणित की बनाई है, मतलब आपको तीन अलग अलग दोस्तों वीडियोस बनाई, कि बहुविकल्पी के लिए अलग बना दी, अति लघु उत्तरी के लिए अलग बना दी और लघु उत्तरी के लिए अलग। दोस्तों सारी वीडियोस मिला के लगभग 10 घंटे की वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पर हमारी उपलब्ध है 10 घंटे की वीडियो। दोस्तों इसलिए ये वीडियो हमने इसलिए बनाई कि आप लोग को बाहर कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े, आपके एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च हो। काफी बच्चों ने कहा सर हम बहुत गरीब है, हम पैसे पे नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं आज भी, वो हमारे साथ फ्री में पढ़ते हैं। और जो बच्चे पैसे दे सकते हैं वो बच्चे पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पैसे देते हैं उनके लिए कुछ अलग अलग चीजें दोस्तों उनको उपलब्ध करा दी जाती हैं, जैसे कि पेड करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हो गए, आगे यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों दोनों में अंतर नहीं किया जाता, लेकिन हाँ तो दो ग्रुप्स अलग अलग चलते हैं, एक पेड ग्रुप रहता है एक फ्री ग्रुप रहता है। तो दोनों बच्चे अपना अपना फायदा उठा रहे हैं जैसे भी दोस्तों उनको लगता है, क्योंकि देखिए पेड ग्रुप में क्या होता है, उनके लिए कुछ अलग से टीचर अवेलेबल होते हैं। देखिए पैसे हमको नहीं चाहिए होते हैं, जो अलग से टीचर्स काम करते हैं उनके लिए तो उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो फिलहाल ठीक है, वो सब हो रहा है। तो देखिए बात आती है कि आप 25 में 25 अंक कैसे ला सकते हैं। देखिए दोस्तों 25 में 25 अंक वो बच्चे ला सकते हैं, देखिए की और हम बात करने वाले थे कि जाने टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं और जाने उनके सीक्रेट। तो हमारे ग्रुप में काफी बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर्स रह चुके हैं, ठीक है, 2015 बैच आपका BTC के जो आपके पास आउट है वो बच्चों की हम बात कर रहे हैं। वो बच्चों ने कैसे कम टाइम में अधिक से अधिक मेहनत किया, आज यूपी टेट पास करके, मतलब यूपी टेट भी पास किया, उसके बाद सुपर टेट भी पास किया, आज वो नौकरी लगने की कागार पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, BTC का 2015 बैच सबसे यंगेस्ट बैच होगा, जो सबसे कम उम्र में नौकरी पाने वाले बच्चे होंगे। तो आप इस बात को इतने अच्छे से समझिए कि इन बच्चों ने कुछ ही समय में, मतलब 1 से 2 महीने में दोस्तों इन्होंने यूपी टेट का पेपर दिया। देखिए सी टेट का नहीं माना गया, लेकिन जिन बच्चों ने यूपी टेट प्लस सुपर टेट इन दोनों पेपर को पास करके इन्होंने नौकरी हासिल कर लेंगे। आप लोग की दोस्तों ये फिलहाल शिक्षक भर्ती है, आपको पता है कि कोर्ट केस में फंस चुकी है 69,000। लेकिन दोस्तों एक चीज बता रहे हैं आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चे नौकरी पाएंगे वो सबसे कम उम्र के बच्चे होंगे BTC 2015 के। तो दोस्तों वही हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग भी तैयारी अगर अच्छी करते हैं तो कम से कम टाइम में आप यूपी टेट सुपर टेट सब निकाल सकते हैं, बस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी आपको। अब बात करेंगे टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या होती है उनकी स्ट्रेटजीज। देखिए दोस्तों सभी बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन हमने तीन टॉपर से अलग अलग बातें की और हम भी टॉपर रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आपको उन्हीं की बातें बताएंगे। देखिए सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। देखिए दोस्तों, देखिए टॉपर्स करते क्या है, पहले टॉपर से जिनसे हम बात करें उनका क्या कहना था ये समझिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम तीन, आपका जो पेपर पैटर्न है वो तीन भागों में डिवाइड है, आपको पता होगा ना, पहले बहुविकल्पी के आपको 5 नंबर मिलते हैं, उसके बाद दोस्तों अति लघु उत्तरी के 6 नंबर मिलते हैं और लघु उत्तरी प्रश्नों के 14 अंक मिलते हैं, और सबको मिला के हमारे बनते हैं 25 अंक, ठीक है, ये 25 अंक आपके ऐसे बनते हैं। तो उन्होंने कहा यार अगर आपको अच्छे अंक लाने तो सबसे पहले अगर आपके देखिए कोई भी बुक्स होती है तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं, लगभग किसी भी बुक में अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों 100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होंगे।
अगर आपको 3 घंटे निकालना पड़ेगा दोस्तों, देखिए अभी आपके पास समय बच रहा है, ठीक है, आपका पेपर पहला क्या है 14 तारीख को है, तभी आपके पास प्रॉपर समय है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक दिन एक सब्जेक्ट को देना होगा, हर दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दीजिए और आप लोग की पढ़ाई कंप्लीट होगी। पहले 2 से 3 घंटे दीजिए दोस्तों, पहले ही 100 क्वेश्चन को कवर करना होगा आपको, बहुविकल्पी के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, तो आपको फायदा क्या मिलेगा, हो सकता है कि उसमें अति लघुत्तरी के भी कुछ क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन उन क्वेश्चन को आपको इतने अच्छे से तैयार करना है कि आप जब विकल्प में, अगर बहुविकल्पी में नहीं आता थी लघुत्तरी में भी आता, तो आपको याद रहे कुछ का अंतर क्या है। कुछ बच्चे भाई रट्टा मार लेते हैं कि इसका विकल्प बी है, इसका सी है, ऐसे नहीं याद कर किया जाता दोस्तों। पढ़कर याद करिए, सही विकल्प को याद करिए, गलत विकल्प को कभी देखिए भी मत। कुछ बच्चे गलत विकल्प को भी बार बार देखते हैं, उसके बाद सही विकल्प का आंसर करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप लोग गलत विकल्प को कभी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ सही विकल्प को याद करते जाइए। तो मतलब आपके ये 100 बहुविकल्पी प्रश्न भी 100 अति लघुत्तरी और लघुत्तरी का काम कर जाएंगे। कैसे, कभी कभी लघुत्तरी प्रश्नों में भी दोस्तों बहुविकल्पीय के कुछ छोटे पोर्शन मिल जाता है, मैच करता है, तो आपको जब बनाकर लिखना होता है अगर उसका आंसर नहीं आता, तो जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं आता थोड़ा बहुत भी आपको हिंट्स मिलता है दोस्तों, तो आप उसको अच्छा खासा बनाकर लिख पाते हैं, तो ये आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर 100 बहुविकल्पीय और उसके बाद 50 अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ते हैं, तो मतलब 150 प्रश्न दोस्तों आपने पढ़ चुके हैं, तो मतलब 150 प्रश्नों को इतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग सिर्फ 50 लघुत्तरी प्रश्न भी पढ़कर जाएंगे, तो आप लोग 25 में 25 अंक स्कोर कर पाएंगे। देखिए बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी जितने अधिक से अधिक आप पढ़ेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। होता क्या है कि बहुविकल्पी अति लघुत्तरी से मिलता जुलता ही आपका लघुत्तरी प्रश्न आता है, तो अगर आपने बहुविकल्पी अति लघुत्तरी नहीं पढ़ा तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो सीधे सीधे तौर पर नंबर काट लिए जाते हैं। और लघुत्तरी प्रश्नों में आप बनाकर अच्छा से लिखेंगे। देखिए आप लोग थोड़ा पेन को भी ध्यान दिया करिए कि कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ ब्लू पेन से लिखते हैं और कुछ बच्चे होते हैं ब्लैक पेन का भी यूज करते हैं, आप ब्लैक स्केच का यूज करिए मेन हेडिंग के लिए। देखिए आप लोग जितना अच्छा से अच्छा कॉपी सजा कर जाएंगे उतने, देखिए टाइम कम होता हमको पता है, आप लोग सोच रहे होंगे टाइम कम होता, मेन हेडिंग आपको ब्लैक स्केच से देना है, जो आप नॉर्मल हेडिंग शुरू होती है दोस्तों उसको ब्लैक पेन से दीजिए, जेल पेन से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे आप बढ़िया लिखते रहिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे कि इसमें कुछ पॉइंट्स करना है उसको भी अच्छे से दर्शाइए। और एक बात और दोस्तों, आप जब भी जैसे इंग्लिश में कर रहे हैं तो बीच में दोस्तों ऐसे लिखा करिए आंसर नंबर 1, ठीक है, ऐसे लिखा करिए दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों जब बहुविकल्पी का दूसरा ऑब्जेक्टिव जो भी हो तो ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 2, ऐसे दोस्तों करके आप लोग लिखा करिए, ठीक है। आप लोग ऐसा मत लिखा करिए कि साइड में इधर लिख देते हैं कुछ बच्चे आंसर 1, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर आप लिखेंगे आंसर 2, ऐसे लिखते हैं, कभी कभी टीचर्स के ध्यान नहीं जाता दोस्तों। अगर आप लोग प्रॉपर ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 1, देखिए समझिए इसको पहले आंसर नंबर 1, ठीक है, जब यहाँ पर लिख लिया दोस्तों आपने इतना, मतलब यहाँ से लिखना शुरू किया यहाँ तक लिख गया, फिर उसके बाद दोस्तों आंसर नंबर 2 दोस्तों, इन बीचों इनके दोनों बीच में जब एक जगह लाइन बचती है तो वहां पर आपको ब्लैक स्केच से बढ़िया सी लाइन खींच दीजिएगा, तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर से ब्लैक स्केच का यूज करिए, फिर आंसर नंबर 3। अगर आप लोग इतनी अच्छी सजा के लिखेंगे और टीचर को प्रॉपर थोड़ा सा स्पेस दीजिए, जगह दीजिए दोनों को, कि टीचर को देखने का मौका मिले कि हाँ कि यहाँ पर अलग अलग आंसर है। कभी कभी दोस्तों आप लोग इतना पास पास लिख देते हैं कि टीचर को लगता है कि एक ही क्वेश्चन है, तो उसमें भी उनसे छूट जाता है। तो मतलब अगर आप मेहनत करें तो आपके एक भी नंबर छूटे ना कॉपी चेकिंग में, क्योंकि वहां पर टीचर भी बहुत व्यस्त होते हैं और दोबारा वो कभी चेक नहीं करते, क्योंकि उनको तो भाई जल्द से जल्द अधिक से अधिक कॉपियां चेक करनी होती है। तो इस तरह आप छोटी छोटी गलतियां करने से बचे, तभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएंगे। दोस्तों आपने ये चीज बहुत ही ज्यादा बार नोटिस किया होगा कि जो बच्चे कमजोर होते हैं वो बच्चे ज्यादा अंक ले आते हैं कभी कभी, लेकिन इसका रीजन यही होता है कि उनकी राइटिंग अच्छी होती है और उनका लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों कुछ बच्चों को नॉलेज बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनका लिखने का तरीका बहुत ही खराब होता है, जिसके कारण वो सिर्फ नंबर पा पाते हैं, अच्छे नंबर नहीं ला पाते। अब 2 अंक का रहेगा दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी राइटिंग बहुत ही बेकार है और आपको नॉलेज बहुत ही ज्यादा है, तब भी दोस्तों उसमें से आप अधिक से अधिक 1 से 1.5 अंक पा पाएंगे दोस्तों, कभी 2 में 2 अंक नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो इसका रीजन यही होता है कि अगर आपने राइटिंग अच्छी बना रहे तो ही आपको दोस्तों 2 में 2 अंक मिलेगा। अब दोस्तों जो आपके पेपर की डेट पड़ी है कि, और हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए आए थे कि आपको 15 अगस्त को, आपको पता है कि रक्षाबंधन पड़ रहा है तो, और स्वतंत्रता दिवस भी है, लेकिन हमें पता है कि रक्षाबंधन दोस्तों साल में एक बार आता है। काफी बच्चों ने कहा कि सर तैयारी कैसे करें, खराब हो सकता है पेपर, तो हमारी यही है आपसे कि गुंजाइश है कि मतलब आप लोग से इतनी उम्मीद करेंगे कि आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, रक्षाबंधन अगले साल फिर आएगा, अगर आपकी बैक आ जाती है दोस्तों तो आप लोग ज्यादा परेशान होंगे। तो रक्षाबंधन दोस्तों दिन में सेलिब्रेट कर लीजिएगा, लेकिन रात में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर आपके कठिन पड़ेंगे और बैक आपको नहीं लानी है किसी भी कीमत पर। जी हाँ दोस्तों, देखिए आने वाले टाइम में आगे पेपर आ रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप लोग अगर आप लोग सिर्फ त्योहारों में पढ़कर उलझे रहेंगे तो आप लोग का पेपर खराब हो सकता है।
तो दोस्तों त्यौहार अपनी जगह और अपनी पढ़ाई अपनी जगह। देखिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है दुनिया में। आज के दिन दोस्तों इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हम बता रहे हैं कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नोट्स तक शेयर नहीं कर रहे हैं कि सर हमारी नोट्स अगर कोई जान जाएगा तो वो भी बच्चा पढ़ लेगा फ्री घर बैठे। तो दोस्तों इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको ही आगे चलकर दिक्कत होगी। अब दोस्तों देखिए हमने सभी टॉपर्स के सीक्रेट आपको यहाँ पर शेयर कर दिए कि उनके पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होती है। जैसे आप लोग दोस्तों कि मिक्स करके कभी मत पढ़ाई करिए कि आपको पढ़ना तो एक ही घंटे में दोस्तों आप सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों अगले घंटे सारे अति लघु उत्तरी, फिर अगले घंटे लघु उत्तरी। आप दोस्तों बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी सबको मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज याद रखिए, जब आप लोग तीनों चीज पढ़ लेंगे तो आपके पास एक क्विक रिविजन आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। रिवीजन में दोस्तों आपको कुछ ऐसे करना होगा कि आप लोग अपने हो सके आपको दोस्तों रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे अंक आप पेपर में ला सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको तैयार हो चुका है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक उसका रिविजन कर सके, क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा रिविजन उतना ज्यादा अंक। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो हमारे हिसाब से एक टॉपर से उसको एक बार दोस्तों अगर आज आपने याद कर लिया तो शाम तक दोस्तों उसको कम से कम 5 बार रिवीजन करने की कोशिश करिए। जितनी बार रिवीजन होता है उतनी बार दोस्तों आंसर आपके दिमाग में छपते चले जाते हैं, रटते चले जाते हैं, फिर आप पेपर में क्वेश्चन देखते उसका आंसर टिक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो बस पेपर टाइम में यही याद आएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन को तो मैंने देखा था, लेकिन उस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाएंगे। अगर आपको उस प्रश्न को करना है सच में तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा पहले पेपर से पढ़ाई करिएगा कि उसको रिवीजन करने का आपको मौका मिले। जो बच्चा रिवीजन नहीं कर पाता, सही बता रहे, 100 में से 90 बच्चे पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जिन बच्चों ने रिविजन किया तो 100 में से 100 बच्चे पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं। तो आपके लिए दोस्तों जरूरी होगा कि रिविजन करना, तो कोशिश करिएगा दोस्तों आप लोग रिविजन कर पाएंगे तो आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत हो दोस्तों आपके लिए वीडियोस बना दी गई है इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशल, मैथ की, इंग्लिश की और विज्ञान की। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट्स करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।